हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को जो कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सारे फ्रेंड्स को भी जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं कि मैं क्या क्रंच करने वाली हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक सेल स्टोन है। मैंने जो 1 किलो करके 2 सेल स्टोन ऑर्डर किया था, एक ब्लैक एंड एक वाइट। ब्लैक से जो 4 लेयर निकला था, उसमें से ये एक थिक वाला लेयर है। देख सकते हैं आप कितना थिक है, और अच्छे से ड्राई भी है, तो मे बी हार्ड भी हो गया होगा, मालूम नहीं, क्रंच करने से मुझे मालूम पड़ेगा। बड़ा है, इसको पूरा क्रंच करने का मन है मेरा, तो देखते हैं कि मैं कितना कर पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रंच शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स मेरा क्रंच कंप्लीट हुआ, मैंने पूरा का पूरा सेल्सटोन क्रंच कर लिया है। शुरू में थोड़ा हार्ड लग रहा था क्रंच करने में, छोटी 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 बाइट हो रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा वेट कर लिया, थोड़ा सा ही वेट किया है, नहीं तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता। थोड़ा सा वेट करने के कारण से तो थोड़ा बिग बिग बाइट हो पा रहा था और अच्छा क्रंची भी अच्छा था और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा था, क्रंची था, टेस्टी था। और ब्लैक का जो उसमें वो स्मेल बहुत ही मतलब स्मोकी और जो भी बताया है आप लोग वो स्मेल बहुत ही मतलब अच्छा था। तो अच्छा क्रंच करके तो मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं वीडियो को दो पार्ट या तीन पार्ट देखूंगी, जैसे अपलोड हो पाता है उस हिसाब से मैं फिर अपलोड करूंगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को आज का क्रंच कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।